शहर में श्वानों का आतंक सरगर्मी से शुरू है, जिसका एक मासूम शिकार बन गया है। श्वानों के झुंड की चपेट में आने से एक मासूम को डरावना अनुभव करना पड़ा। नागपुर शहर के वाठोड़ा इलाके में श्वानों के झुंड ने 3.5 साल के बच्चे को नोच डाला। अगर रोने की आवाज सुनकर मां नहीं दौड़ती तो श्वानों का झुंड मासूम की जान तक ले लेता। ये घटना मंगलवार की सुबह वाठोड़ा क्षेत्र शिवाजी पार्क अनमोल नगर परिसर में हुई है, जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। श्वानों के चंगुल से छुड़वाकर बच्चे को धंधोली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे एक साथ 6 इंजेक्शन लगाए गए। गनीमत रही कि बच्चे को समय पर मां ने बचा लिया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनमोल नगर वाठोड़ा में शिवाजी पार्क के पास जीतू दुबे अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। मंगलवार की सुबह करीबन 7:45 बजे उनका बेटा डुग्गू दुबे सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। इस दौरान 7 से 8 श्वान डुग्गू पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए सड़क पर खड़ी बाइक के पीछे उसने छिपने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी श्वानों ने हमला कर दिया। उसने चंगुल से बचने का प्रयास बच्चा करता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। श्वान काटने लगे तो वहीं चीखने लगा। डुग्गू की माँ उसकी रोने की आवाज सुनकर बाहर दौड़ी। बेटे को श्वान काट रहे थे, उसने जोर से चिल्लाते हुए पत्थर उठाकर मारा तो श्वान दूर खड़े होकर भौंकते रहे। बेटे को लहूलुहान देखकर वह धंतोली अस्पताल भागी। डुग्गू को उपचार बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन वह इतना डरा सहमा हुआ है कि जरा सी आवाज होने पर भी घबरा रहा है। घटना के बारे में क्षेत्र के पार्षदों को जानकारी दी गई, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। महानगर पालिका का वाहन तक अनमोल नगर में नहीं आया कि उन आवारा श्वानों को पकड़ कर ले जाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाठोड़ा के थानेदार चौधरी ने उस बच्चे के बारे में खोजबीन शुरू करवाई, लेकिन नागरिकों ने इस मामले को लेकर बेहद रोष देखा जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र के पार्षद को घटना के बारे में अवगत कराने के बावजूद उन्होंने लापरवाही बरती। महिष्वान पकड़ने वाले वाहन नहीं बुलाए गए, जिससे जनप्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों में रोष देखा जा रहा है। मेरा नाम अश्विनी जितेंद्र दुबे है, मैं स्वरांश दुबे की मम्मी हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं कहीं गई थी, बाहर गई थी एक्चुअली, मैं घर पे नहीं थी, उसके पापा घर पे थे, वो नहाने गए थे। वो रोज गार्डन सुबह खेलने जाता है, तो वो रोज ही जाता है, सभी बच्चे सुबह के टाइम पे गार्डन में खेलने जाते हैं तो वो भी जाता है। तो उस दिन ऐसे हुआ था कि उसके पापा नहाने गए थे, तो वो पापा को बता के गया था कि पापा मैं गार्डन जा रहा हूँ, और तो वो नीचे निकल गया और कॉर्नर पे, हमारे यहाँ पीछे ही गार्डन है, लग के बहुत दूर नहीं है, तो कॉर्नर पे कोई नहीं था रास्ते पर, 7-8 कुत्तिया है, और ये जा रहा था सीधे से, तो वो गिर चुका है, तो वो मतलब 7-8 कुत्तिया है, और इसको एकदम से उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से और उसको नोचने लगे, तो रोने की उसकी आवाज़ आई है। तो एक दीदी बाहर निकली और उन्होंने कुत्तों को पत्थर मारा, और मतलब कुत्तों को पत्थर मारा और वो कुत्ते वहाँ से भागे, और फिर उन्होंने उसको पकड़ा, फिर हमें इन्फॉर्म किया कि आपके बेटे के साथ ऐसा हुआ, तब हम गए। ये घटना 11 तारीख को हुई है, सुबह 7:30-7 के बीच में हुई है, और जैसे कि देखा गया है कि अभी 11 तारीख से ये चीज़ हुई है, पर यहाँ पे कोई आया नहीं है। हमने नगर सेवक को भी इन्फॉर्म किया है, पर वो भी अभी तक के उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कुत्ते पकड़ने वाले आए हैं यहाँ पे, और ना ही किसी ने पूछा है। आज हमारे यहाँ पे वाठोड़ा थाने के पुलिस चौधरी सर आए थे, वो हमें मिलकर गए हैं, हमसे पूछताछ करके गए हैं, पर अभी भी NMC ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, या कोई आगे आए नहीं है कि क्या हुआ है, और ना ही कुत्तों को पकड़ा गया है। तो मेरा ये कहना था कि आगे ऐसा ना हो तो प्लीज़ वो कुत्तों को पकड़िए, और जो आगे की कार्रवाई होती है वो कीजिए, ताकि मेरे बेटे के साथ हुआ है तो किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं जितेंद्र दुबे सुबह 11 तारीख को सुबह 7 बजे यूँ कुछ बाथरूम में नहा रहा था, उसी वक्त मेरा बेटा गार्डन जाने के लिए जिद किया और वो गार्डन जा ही रहा था, तो डेली की तरह वो जो रोज जाता है उसी तरह से वो जा ही रहा था। तो पप्पू टीचर मारे के घर के बिल्कुल अपोजिट में कॉर्नर पर मेरी कार पार्किंग रहती है, मेरे कार को तो लग के ही जा रहा था, वो अचानक से 8-10 कुत्ते एकदम आए और उस पर अटैक कर दिया, उसी तरह मेरे सामने की भाभी आई दौड़ के और उसको बचाया, वरना उसका हाथ बहुत बेकार हो जाता है। उसको जब उसको बचाया गया तब उसके पैर से, पीठ से, बैक साइड से, यानी काफ़ी जगह उसको जख्म है और ब्लड नहीं कर रहा था, तो तुरंत उसको वहाँ से उठाया और हॉस्पिटल लेके गया।
धनतोली में, जहाँ मैं उसका पहले ट्रीटमेंट था, जहाँ डेली होता है, बट लेकिन उन डॉक्टर वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसके वजह से मैं उसके दोबारा फिर मेडिकल लेके गया। उसका मेडिकल में ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ वहाँ 7-8 घंटे भर्ती रहा, वहाँ पे फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी आगे की प्रोसेस है वो डॉक्टर ने किए। उसके बाद उसको 8 घंटे बाद छुट्टी दे दी गई, फिर मैंने उसको घर पर लाया। और यही चीज़ भी मैंने कॉरपोरेशन के लिए पत्र लिखा, लेटर वगैरह लिखा, और वो देने गया भी था, लेकिन कॉरपोरेशन में मुझे उतना मतलब जब गया तो कुछ टाइम मिला ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं मुझे। तो फिर मैंने वाठोड़ा थाने से, मेरा PSI साहब आए, जब ये सब प्रोसेस हुई, पेपर में कार्रवाई वगैरह जो हुई, तो फिर 2 दिन बाद PSI साहब नागपुर हमारे घर पे आए और उन्होंने ये सब हमें बताया कि आगे हम इसके बारे में कार्रवाई करते हैं, आप एक NMC को एक लेटर दे दीजिए, एक लेटर हमें दे दीजिए। लेकिन आज मेरे बच्चे के साथ वकल और किसी के साथ होता तो क्या होता है इसके बारे में? ये कॉरपोरेशन की लापरवाही है ना। और नगर सेवक 2-4 दिन से क्या सोए हुए हैं, आज 3 दिन के बाद की बात हो गई, ऐसा क्या होगा इसमें? अगर यही हाल चाल है तो फिर ऐसे में भी ये लोग ये अपना पद लेते ही क्यों है जब इनको काम नहीं करने हैं? 3 दिन के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना, कोई किसी का कोई एक्शन दिख रहा है, तो क्या किया जाए इस इलाके में? मेरा नाम संजना नागेश तीतरमारे है, मैं वाठोड़ा स्थित अनमोल नगर में रहती हूँ। 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे न्यूज़पेपर आया हमारे यहाँ, मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उस समय बच्चे की रोने की आवाज़ आई जिसका नाम डुग्गू है, और कुत्तों की भी बहुत भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं बाहर निकल कर देखी तो 7-8 कुत्ते मिलकर डुग्गू को खींच कर लेकर जा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, फिर भी अपनी समझदारी से थोड़ा मैं कोशिश की, वहाँ रास्ते में पड़े पत्थरों को उठाई, 2-3 बार उनको मारी पत्थरों से, जिससे कि कुत्ते भाग गए। और वैसे ही मैं डुगू को अपने पास ली, उसे घर लेकर आई तो देखी तो उसके बैक साइड से बम से ब्लड्स निकल रहे थे और वो बहुत रो रहा था, वो कुछ बताने की भी हालत में नहीं था। बट वो मेरे पहचान का बच्चा था, तो मैं उसके पेरेंट्स को कॉल करी, उनका फोन बंद था, तो मैं बाजू के बच्चे को भेज के उसके पापा को बुलवाई और ये सब बातें उन्हें बताई। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।